तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां धर्मपुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपको बता दें, धर्मपुरा में जुदेव परिवार से करेंगे मुलाकात। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मपुरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जुदेव परिवार से मिलने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं N24/7 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मपुरा में उनका स्वागत किया जा रहा है, सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़े। जी स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि जुदेव परिवार से सीएम विष्णुदेव साय का बहुत पुराना रिश्ता है, ऐसे में सीएम बनने के बाद, वो राज्यपाल से मिलने के बाद सीधे जुदेव परिवार से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी वहां पर आप? जी बिल्कुल, विष्णुदेव साय का जुदेव परिवार से काफी गहरा और काफी पुराना रिश्ता है। दिलीप सिंह जुदेव के समय से जो है वो जो है विष्णुदेव साय उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और अभी चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो सीधा जो है जुदेव परिवार, जो धर्मपुरा में युद्धवीर सिंह जुदेव का जो घर है, वहां पर जो है उनके परिजनों से भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। अभी यहां पर जो है सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और उनकी पत्नी संयोगिता जुदेव ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है। और अभी निवास में मुलाकात करेंगे उनकी, युद्धवीर सिंह जुदेव की जो माता है माधवी सिंह जुदेव, उनसे भेंट करेंगे, कुछ हालचाल पूछेंगे। और कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है साइंस कॉलेज मैदान में, उसमें शामिल होने का वो न्योता जो है वो विष्णुदेव साय देंगे। तो अभी यहाँ पर जो है विष्णुदेव साय उनके निवास जो है धर्मपुरा स्थित निवास जो है पहुंच चुके हैं और परिजनों से मेल मुलाकात करके कल जो शपथ ग्रहण होना है उसके लिए न्योता देंगे। जी जी सपनील, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जुदेव परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे जशपुर से आते हैं विष्णुदेव साय भी, जशपुर क्षेत्र से ही आते हैं, जशपुर क्षेत्र को गुरु मानते थे और दिलीप सिंह जुदेव की काफी सम्मान किया करते थे विष्णुदेव साय। तो ऐसे में परिवार से मिलने पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण में भी न्योता देने के लिए पहुंचे, तो क्या लगता है शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर जुदेव परिवार के लोग भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण में जुदेव परिवार के लोग शामिल होंगे। और बात की जाए तो दिलीप सिंह जुदेव से काफी जो है करीबी रिश्ते हैं और विष्णुदेव साय कहीं ना कहीं दिलीप सिंह जुदेव को गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। और दिलीप सिंह जुदेव ने भी जब वो जीवित थे तो वो विष्णुदेव साय को जो है उनकी काफी पैरवी करते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी जो है उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने, दिलीप सिंह जुदेव ने कहा भी था कि एक दिन जो है विष्णुदेव साय जो है वो प्रदेश के मुखिया बनेंगे, तो वो दिन अब जो है साकार हो चुका है। तो ऐसे में काफी गहरे रिश्ते हैं उनके परिवार से। और अभी यहाँ पर जो है सीएम बनने के बाद पहली बार उनके जो है जुदेव परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होना है, तो उसकी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भी जो है राज्यपाल के बाद सीधे जो है जुदेव परिवार में पहुंचकर उन्होंने दिया है। तो कल यहाँ पर जुदेव परिवार के जो लोग हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी स्वप्निल, की कल शपथ ग्रहण होना है, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास तैयारियां यहां पर चल रही हैं, कौन कौन यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी किसी किसी निमंत्रण दिया जा चुका है? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होना है उसकी तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। साइंस कॉलेज मैदान में 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। साथ ही अगर बात की जाए राष्ट्रीय नेताओं की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के जो सीएम हैं, नेता हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करें तो आज सुबह ही विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, इसके साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेस नेताओं को जो है शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। तो आज लगातार जो है निमंत्रण आमंत्रण देने की जो प्रक्रिया है वो जारी है और खुद जो है सीएम विष्णुदेव साय जो है जुदेव परिवार के निवास में पहुंचकर जो है आमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी जो है इसके बाद जो है और भी जो नेता है उनको फोन के जरिए जो है आमंत्रण देंगे। जी 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 स्वप्निल, क्या लगता है कि सीएम और डिप्टी सीएम के साथ छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर शपथ ले सकते हैं, क्या ऐसी संभावना है कि सभी के नाम लगभग तय हो गए हों और वो भी यहाँ पर शपथ ले साथ में?
जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि इसकी तैयारी भी जो है वो कहीं ना कहीं कर ली गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दो डिप्टी सीएम जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा, ये दो डिप्टी सीएम जो है शपथ लेंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के जो है उनकी नाम भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि फाइनल कर लिए गए, तो हो सकता है कि कल शपथ के दौरान बाकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी जी, एक चीज और स्वप्निल आपसे जानना चाहूंगी कि सभी जगह पे सभी राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण की बात आ रही है कैबिनेट के विस्तार के लिए, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट के विस्तार के लिए जातिगत समीकरण और क्षेत्रीगत समीकरण यहां पर हावी होगा, क्योंकि कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, कई नए चेहरे भी ऐसे में विधायक बनकर सामने आए हैं, तो नए चेहरों और जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी क्या यहां मंत्रिमंडल के विस्तार में भूमिका होगी? निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और पूरे जातिगत समीकरण के आधार पर ही कैबिनेट का गठन होगा। जिस तरीके से आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय को आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनको सीएम बनाकर कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को जो है साथ का प्रयास किया गया। वहीं दो डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो अरुण साव जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं तो ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं साधा गया, और जो विजय शर्मा जो दूसरे डिप्टी सीएम है वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो इसमें जो है सीएम डिप्टी सीएम में पूरा जाति समीकरण का ध्यान रखा गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब कैबिनेट का गठन होगा तो इसमें भी जो है जातिगत समीकरण के सामंजस्य के आधार जी। स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।